गाइस, तो उसे गिफ्ट मिला था जो नहीं दिखाया था आप लोगों को, तो सोचे कि उसको भी दिखा दें। क्योंकि रंजना आज जा रही है तो उसको भी देना है और मनीषा को देना है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि दिखा देते हैं आप लोगों को कि मुजफ्फरपुर से उकांत थी वो प्रीति। प्रीति जी हम लोग को साड़ी एक एक करके दी थी और उसके साड़ी यहाँ पर है, बनिया का भी कपड़ा था और हम लोग तीन जन का मेहंदी निकाल दीजिए, तीन जन का इसमें का साड़ी मिला हुआ था, तीनों आदमी का सेम साड़ी था, आप लोग देखा कलर सिर्फ अलग है। और एक जन और फोन किए थे तो हमको बोल रहे थे कि आंटी हम एकदम सोचे थे आने के लिए आपसे मिलने, लेकिन आए नहीं मिलने, कि हम आपके लिए आपका पसंद है पर्स, तो हम पर्स रखे थे लेकिन नहीं पहुंच पाए। तो आप वीडियो देखेंगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये हमको प्रीति जी प्यारा सा गिफ्ट दी है और सुहाग का चीज़ है। तो यहाँ देखिए सरस्वती पूजा का समय है और इतना सुंदर लग रहा है लहठी, यह मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध होता है लहठी। हम सोचे भी थे कि जाएंगे तो खरीदेंगे लेकिन टाइम नहीं मिल पाया निकलने का, तो हम लोग को इतना ही दे दी हैं, यही काफ़ी है। और बहुत सारा थैंक यू है उनके लिए इतना प्यारा प्यारा गिफ्ट के लिए। तो एक यहाँ देखिए ये है चूड़ा है, ये भी बहुत प्यारा है, यहाँ लटकन है, तो इसको हम दे रहे हैं रंजना को कि नई नवेली दुल्हा में उसमें और सुंदर लगेगा, शादी भी है तो शादी है तो पहन लेगी। तो एक ये हो गया और हम दो और ऐसा मिला है, यहाँ तो देखिए ऐसा है, एक ये है, ये है कि ये दोनों का जो बीच का है ना, हाँ सेम है, इसका थोड़ा चूड़ा अलग है ये वाला, और ये है एक यहाँ देखिए। तो ये दो गो सेम है, एक ठो थोड़ा अलग हटके है। अब रंजना से दिखाएंगे कौन उसको लेना है, जो उसको पसंद होगा वो ले लेगी। और यहाँ पर भी दी है तो इतना सारा चीज़ नहीं देना चाहिए आपको, लेकिन सुहाग का चीज़ है इसीलिए हम ना नहीं बोलेंगे, लेकिन एक दो दे दी रहती काफ़ी रहता, तो बहुत सारा आप दे दी हैं इसके लिए थैंक यू। और अब रंजना को बुलाएंगे और उसको भी दिखा दें कि कौन सा लेना है, बुला ही दिया। हाँ रंजना आओगी तो अभी देखते हैं रंजना क्या बोलती है, कौन सा पसंद आ रहा है। आप पूजा कहाँ गई, उधर से बैठी पूजा, उधर से बैठी मम्मी के लगे मेरे पास तो यही ना है, ठीक है चलते हैं ठीक है।
हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो अभी मनीषा हो गई है रेडी नहा धोआ के, और इसी के पास आज हम सोए भी थे। रात में फ़ोन की थी कि आइए, तो आए हैं। इसको डर लग रहा था इधर, तो देखिए यहाँ पर रेडी हो गई है। मम्मी को लग रहा था रंजना चली गई घर, का मन भी नहीं लग रहा था। तो मम्मी कॉल की, बोली कि क्या कर दिए था, मतलब हम बैठे हैं, नींद नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मम्मी बोली क्या करे, आज है। बोले आई मम्मी, तो मम्मी आई है। अभी रात को आई तो हम लोग सब साथ में ही सोए थे, मम्मी हम। इधर से बाबू कह रहे भाभी कौन है। तो वो भी दरवाजा बंद करके अपन सोया है, डेरा रहा था वो भी। अभी खोल दिए दरवाजा, चूंकि शादी के पहले ऊपर सोता नहीं था, वो नीचे सोता था। जब से रंजना आई है तब से ऊपर सो रहा है। तो उधर वो अपने बीवी के लिए डेरा रहा है, ये इधर सचिन के लिए डेरा रही है। तो दोनों उधर बैठे थे 12 बजे वाले प्रिंस के पास, इधर यहाँ आके सोए हैं। तले 4 बजे इसके पापा फोन कर रहे हैं, कहाँ चल गई है बिछौना पे से। पापा जी को पता नहीं था कि मम्मी इधर आई है। मम्मी पापा जी के साथ प्रैंक कर सकती है। अच्छा, तो वो फोन के सामने मनी से डेढ़ा रही थी, तो वो इधर आया। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब समझ सकते हैं आप लोग कि घर में हम लोग 4 जन ही हैं, और सब लोग अब इस समय नहा धोवा लिए। चाय हम लोग को मिल गया है यहाँ, और गरम पानी भी मिल गया है। इनके पापा भी सोए हैं, उठेंगे तो 7:30 हो रहा है इस समय। पापा जी बोल रहे हैं कि ठीक है रख दो, पीते हैं थोड़े देर में। ठंड इतना ज्यादा है ना, क्या हमको भी कहीं आज जाना है, 2 जगह है नेवता, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। तो रहते हैं ना, तो उम्र जाते हैं ना, तुरंत शादी लोग कर देता है। हाँ, ये तो है। अब बूढ़ा लोग हो जाएंगे, चाहे बच्चा लोग को थोड़ा सा संभालने में दिक्कत होता है, बच्चे वाले लोग को तो ज्यादा दिक्कत होता है। देते हैं वीडियो कहीं तक, और वीडियो को अब खत्म करते हैं। तो चलिए, और आज का घर का सब संभाल रही है मनीषा, चाय नाश्ता का सब कुछ की व्यवस्था आज कर रही है। दोबारा हमको चाय लाके दे दी, एक बार आई थी तो हम तो रात भर इनको खोजने में हैरान थे, नींद फिर लग गई तो नहीं चाय लिए। फिर देखे चाय मेरी ठंडी हो गई, तो फिर अभी लाई है चाय, वो भी अजवाइन की चाय, बहुत अच्छा बनाती है। और शुरू से चाय यही अजवाइन का आदत डाल दी पिलाने के लिए, बढ़िया। सचिन तो नहीं पीता है, अजवाइन नहीं खाता है, लेकिन हम खाते हैं। सचिन उसका भी सपना देख रहे थे आज। सचिन का थाली में पड़ता है ना अजवाइन, तो पूरा गर्म हो जाता है। आज हम सपना भी तो देखे, इसलिए वो नहीं खाता है। तो हम लोग अजवाइन थोड़ा ज्यादा ही खाते हैं ठंडा में, गर्म के लिए तो खाना भी चाहिए, और उससे सेहत सही रहता है। अभी मशीन पे सारा स्वेटर हटाएंगे, फोल्ड करेंगे, रूम को थोड़ा ठीक करना है। पूरा रूम खाली हो गया है, कुछ कुछ है सामान जो कि हटा देंगे, और आज सफाई फाई कर देंगे। कल लक्ष्मी भी आई थी तो उनको भी अपना कुछ दे दिया, कुछ और इधर उधर बटा जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो रहने देते हैं अभी तक वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए।